और यहाँ पर अगर आप कहीं बाहर से हैं, घूमने आए हैं, तो यहाँ ठहरने के लिए भी व्यवस्था है, धर्मशालाएं हैं, और हर मकर संक्रांति पर यहाँ बड़ा ही अच्छा मेला लगता है। तो आइए मेरे साथ। और यहाँ बहुत से धार्मिक कार्य होते रहते हैं, यज्ञ होते रहते हैं, धार्मिक। आप लोग पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ये हवन कुंड बन रहे हैं। और आप मेरे इस तरफ देखिए, जी पहुँच गए दादा। दादा आ रू मैं, नहीं जाओ यार तुम बीच, तुम्हें अब अभी बोलने को मौका है, तुम आओ। और ये यहाँ पर बहुत ही यानी भागवत कथाएं होती रहती हैं, साधु संतों का हमेशा यहाँ जमावड़ा रहता है। और आप लोग मेरे इस तरफ देखिए, माँ ये बैतवादी हैं। चलो बोलो। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए रणछोर, जो कि जाखलोन के पास में पड़ता है। जाखलोन से 5 किलोमीटर अंदर जंगल एरिया है। अब देखा और ये जो मंदिर है, ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, इसमें सीमेंट वीमेंट का कोई इस्तेमाल नहीं है। राधे राधे, राधे राधे, ये ललितपुर के। तो ये जो पूरा मंदिर है, ये पूरा पत्थर का बना है। तो हम आपके लिए यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से अच्छी डिजाइन की गई है मंदिर में। तो आइए हमारे साथ। नमस्कार जी, पूर्ण राम जी। देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये पत्थर ही पत्थर का है, इसमें कोई सीमेंट बजरी का नहीं बनाया गया है। और काफ़ी पुराना मंदिर है ये। देखिए ये डिज़ाइन, जो कि अब कोई नहीं मुमकिन नहीं है, पुराना कितना, काफ़ी पुराना डिज़ाइन है ये, जो कि और बल्कि छेनी हथौड़े की मार से बनाया जाता था, ये हाथों से बनाया जाता था। ये फूल देखिए, और यहाँ पे बंदर बहुत हैं, काफ़ी बंदर हैं। ये देखिए ये बंदर कैसा बैठा हुआ है यहाँ पे। संजोए हुए मंदिर हैं, यहाँ प्रशासन की व्यवस्था रहती है, तो डरने की कोई बात नहीं। कभी आप आइए घूमने के लिए, तो हाँ जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के लिए साधन कम हैं। और यहाँ जी मंदिर देखिए आपने, प्योर पत्थर के हैं,
भगवान के लिए, भगवान के मैं फोटो नहीं वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि भगवान को दिल में बसाया जाता है ना कि फोटुओं में। तो इसलिए मैंने आप लोगों को अंदर दर्शन नहीं करा पाया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण जी का निवास है, तो ज़रूरी नहीं कि भगवान को फोटो नहीं खींचना चाहिए भगवान की, भगवान को मन में बसाना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य रहता है। तो आगे मैं आपको लेके चल रहा हूँ मचकुंद ऋषि की गुफा, जहाँ काल यवन राक्षस का वध हुआ था। और आप लोग ये पीछे जो देख रहे हैं वो नौ देवियों के मंदिर हैं, जहाँ और यहाँ जो सामने हैं भगवान शिव की शिवलिंग है, तो हम दर्शन करेंगे, उसके बाद आपको ले चलेंगे बलदाऊ और कृष्ण जी के पास दर्शन कराने के लिए। तो आप देखिए काफ़ी अच्छा, दादा था ना घंटा बजाना। देखिए जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये प्योर पत्थर का फूल है, इसे बल्कि कारीगरों ने अपनी मेहनत से और हाथों से बनाया है। ये लक्ष्मी आसन है, लक्ष्मी आसन कहते हैं इसे, लक्ष्मी आसन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए है भोले भंडारी का मंदिर, और यहाँ अंदर प्रस्थान माने कब आए भगवान जी, कब का भाव जो तो बताओ आप, हमें तो कोई जानकारी है नहीं। नहीं नहीं, ये बात आपने मेरी भक्तों बहुत अच्छी बात पूछी है। इसमें तीन युगों की कथा जुड़ती है जी, द्वापर त्रेता और सतयुग, इसमें तीन युग की कथा जुड़ती है। इस पृथ्वी से देवताओं के साथ दो राजा युद्ध करने गए, एक तो करने गए राजा मुचकुंद और एक युद्ध करने गए राजा दशरथ। राजा दशरथ के तो रथ का पहिया विध्वंस हो गया, तो केकई ने उसमें अपनी उंगली डाल करके और रथ को नीचे उतारा। वो रथ उतरा पंपापुर राज्य में, बाली के राज्य में उतरा, वहाँ भी एक कथा आती है। दूसरी कथा हमारे कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से जुड़ती है, जिसमें मुचकुंद महाराज ने देवताओं का साथ दिया और उसी समय आखिरी तक युद्ध में जीते। जीतने के बाद इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया, इंद्र से कहा कि राजन आप मांग लो क्या चाहिए। राजा ने कहा भाई हम सब प्रकार से धन धान से संपन्न हैं, पर हमें अब विश्राम करना है, इस विश्राम करने से मुझे कोई न जगाए। इंद्र ने ये आशीर्वाद दिया, जाओ राजन इसी प्रकार होगा। तब मुचकुंद महाराज आकर के यहाँ से 3 किलोमीटर दूर मुचकुंद गुफा है जो रणछोड़ जी से 3 किलोमीटर आगे पड़ती है जी,
यहाँ कालियावन नाम का राक्षस जो जरासंध जो कंस का वध भगवान श्री कृष्ण ने कर दिया था, तो 17 बार मथुरा पे लड़ाई की। उसके बाद जब कृष्ण बलराम को जीत नहीं पाया जरासंध, तब जरासंध ने अपने मित्र कालियावन को बुलाया, क्योंकि कालियावन भगवान कहता था कि मैं भगवान हूँ। यहाँ कृष्ण बलराम, कृष्ण की ये विख्याति प्राप्त हो गई थी कि ये तो भगवान है, तो भगवान कृष्ण को भी लोग भगवान कहते थे, और यहाँ कालियावन को। कालियावन मथुरा में आया और भगवान से कहा कि भाई हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं, लोग तुम्हें भगवान कहते हैं। भगवान ने कहा ठीक है मित्र, मैं तुम जैसे योद्धाओं का स्वागत करता हूँ, पर हमारा तुम्हारी युद्ध कहाँ होगा? वहाँ होगा, ना तो मेरे पक्ष का कोई होगा और ना तुम्हारे पास तुम्हारे पक्ष का होगा। तो भगवान ने वहीं से मथुरा से उड़कर हवा में इस वायुमंडल में अपनी हाथ की चुट्टी लगा के कि तुम मुझे छेड़ लो, जहां मुझे पकड़ लोगे वहीं तो हमारा तुम्हारा युद्ध शुरू हो जाएगा। भगवान ने उसको लेकर के आए और हत्ता चुट्टी मिलाकर के भगवान उड़ते आए, अपना पीतांबर बढ़ाते आए और चले आए, यहाँ तक आए। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा देखा, क्योंकि कालियावन ब्राह्मण कुल से था, ब्राह्मण कुल से था, तो भगवान ने कहा ये ब्राह्मण है, यदि हम इसको अपने हाथ से वध करेंगे तो हमें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। क्षत्रिय का कर्तव्य है कि ब्राह्मण को मारे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से देखा। तो उस युग से वो राजा मुचकुंद्र अपनी भगवान की समाधि में लीन थे और निद्रा में सो रहे थे, तो यहीं आकर के भगवान रणछोड़ जी पर उतरे। और कालियावन ने कहा कि अरे रणछोड़, यहाँ से भगवान ने जंगल की ओर दौड़ लिया, तो पीछे पीछे वो भागता गया और कहता गया कि अरे रणछोड़, कायर तू रणछोड़ करके भागा है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। और भगवान आगे भागते गए और जहाँ मुचकुंद सो रहे थे उन्हीं के ऊपर अपना पीतांबर उड़ा दिया, और पीतांबर उड़ाया और भगवान अंदर गुफा में छिप गए। वहाँ जा कर के क्या हुआ मेरे भक्तों की, वहाँ भगवान अंतर्ध्यान हो गए और ये कालियावन पीछे से गया और राजा मुचकुंद में पैर मारा। अब वो तो ऋषि हो चुके थे, ऋषि हो चुके थे क्योंकि वो तपस्या में लीन थे। इसने एक पैर मारी, दूसरा पैर मारा, बोले कायर उठ, तू रणछोड़ यहाँ मुंह ढक के सो गया है, तुझे पता नहीं मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब राजा मुचकुंद महाराज की निद्रा खुली, उन्होंने अपनी दृष्टि से देखा। जब दृष्टि से देखा तो देखते ही वह कालियावन नाम का राक्षस भस्म हो गया, भस्म हो गया। तो मुचकुंद महाराज ने देखा भाई ये कौन था जो मेरी नजर के सामने भस्म हो गया। यहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण का वहाँ प्राकट हुआ तो बड़ा दिव्य प्रकाश हुआ, दिव्य प्रकाश पूरी गुफा के अंदर हुआ और मुचकुंद महाराज को भगवान के दर्शन हुए। कुछ खास है, मैं आपका स्वागत है, मैं आपका दोस्त एस रैकवार, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ मुचकुंद गुफा दिखाने के लिए, जो ललितपुर के ललितपुर ज़िले में है, ललितपुर शहर से 30-35 किलोमीटर दूर है, ढोर्रा गाँव ढोर्रा के पास ही में है, 2-3 किलोमीटर का अंतर है। तो यहाँ अगर आप जंगल देखने के शौकीन हैं या धार्मिक क्षेत्र घूमने के शौकीन हैं या आपको पुरानी चीज़ें पसंद हैं, तो अभी आप मेरे पीछे देखिए कितनी हैवी खाई है, आप देख सकते हैं ये खाई है, और यहाँ पर मंदिर है, और हम आपको दिखाएंगे फिर। और आप ये देखिए सामने कितनी गजब का नज़ारा है, आदमी कहाँ भागते हैं, ऊटी मूटी जाते हैं, कश्मीर उससे कहीं अधिक अच्छा नज़ारा है यहाँ पर, आप देखिए। और ये पीछे खाई, यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ हुआ नहीं है। और आप ये पत्थर देखें, स्लेट टाइप के पत्थर हैं।
बोलो बना क्या तुम तो ऐसा घुमा दो नया चीज और ये जगह जो है ये पिकनिक पॉइंट से कम नहीं है। आप लोग देखिए कितना गजब का नज़ारा है। बिल्कुल गहराई देखो गहराई बताओ आप यहाँ देखिए कितनी कचरा नहीं रखा हुआ ऐसे बस और ये सामने आप कितना अच्छा नज़ारा है देखिए बिल्कुल फिल्मी स्टाइल का होती रहती है यहाँ फिल्मों की शूटिंग। यहाँ आप देखिए गुफाएं गुफाएं हैं यहाँ पर। चलो बढ़िया है तने ते अब वीडियो बना रहा यार अच्छा यो वो तैया है अच्छा हाँ रणछोड़ और यही है वो मचकुंद गुफा जहाँ पर भगवान कालीवन को लेकर आए थे। ये देखिए अब पानी आता है इन पहाड़ों से। ये यहाँ पर कुंड बना दिए गए हैं ताकि पानी इकट्ठे तो पीने के लिए। ये देखिए आप ये पानी के कुंड हैं और बंदर भी हैं यहाँ पे और देखिए काफी बंदर बैठे हुए हैं। ये बंदर भी हैं तो काफी अच्छा नज़ारा है। कभी आपको समय मिले तो आइए आप धौर्रा में मचकुंद गुफा आप कहीं भी पूछ लीजिए कोई भी बता देगा। देखिए यहाँ अभी ये नज़ारा है।